भारतमाला परियोजना अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम मार्ग में प्रभावित ग्राम पंचायत बासनवाही मावलीपारा मुसुरपुट्टा पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें उपयोग हो रहे सामग्री मिट्टी और ईस्ट निर्माणाधीन मार्ग से लगे हुए कृषि भूमि जिस पर कृषि कार्य किया जा चुका है। बारिश होने से निर्माण कार्य में उपयोगी मिट्टी और डस्ट बहकर खेतों में पूरी तरह से फैल गया है, जिससे फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और जिस पर किसान नाराज है और कृषि कार्य पर पाना संभव नहीं है। इसलिए समस्त किसानों द्वारा निर्माण कार्य से हुई क्षति की पूर्ति दिलाने की मांग कलेक्टर से की गई है। परेशानी भाई सर, भारतमाला रोड के अंतर्गत जो रोड बन रहा है उसमें मतलब पहले तो पुलिया नहीं बनाए और जब पानी भर गया ना तो रोड को काटे हैं तो पूरा डस्ट खेत में मतलब बह रहा है, वो लगभग 1.5 किलोमीटर आसपास बह गया और उसमें मतलब परत टाइप का जम गया है। तो हमारा यही मतलब वो मांग है कि उसका क्षतिपूर्ति हमको मिलना चाहिए और डस्ट को निकालना चाहिए बाहर, और किसानों के लिए आने जाने के लिए वो किनारे से रोड चाहिए बस। जी हमें परेशानी वही है सर, जो भारतमाला बन रहा है ना वहाँ पूरा डस्ट हमारे खेत में जाम हो गया है। हमें किसान भाइयों को बहुत दिक्कत हो रहा है किसानी करने में, ना वहाँ पे किसानी कर पाएंगे ना हो पाएगा। अभी किसान तो अभी लगभग 55-60 किसान हैं। पंचायत है बासनवाही मावलीपारा जी, गए थे वहाँ पे कैंप में गए थे हम लोग, तो वो लोग बोलते हैं हम आगे अधिकारी लोग को बात कर रहे हैं कहके टाल रहे हैं। भारत मला जो रोड बन रहा है उसमें अभी पहले तो गड्ढा में मतलब वो क्रॉस के लिए मतलब पानी क्रॉस के लिए रास्ता नहीं छोड़े, बंद कर दिए थे, और अभी भरे पानी में मतलब बरसात लगे है और फोड़ दी तो नीचे के जितना भी खेत है वो वहाँ मतलब पूरा डस्टर पूरा बहा के मिट्टी डस्टर बहा के 1-1.5 फीट नीचे मतलब जो परत टाइप के जम गया है, तो उसमें खेती बाड़ी करने में ज़्यादा कठिनाई हो रहा है, ना हो नहीं पा रहा है। लगभग अब एरेस तो नहीं निकाले हैं फिर भी मतलब वो आज के डेट में लगभग 15-20 एकड़ लगे प्लाट मतलब वहाँ चले गए हैं। अब इसमें तो खैर और ज़्यादा नहीं, लगभग फिर भी 55-60 किसान प्रभावित।